अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो वीवो की कल 2 से 3 वीडियोस मैंने अपलोड की थी। तो फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं थी जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर सकता, लेकिन आज जो है मैं आपके साथ दो डिवाइसेस जो हैं उनका जो है मैंने प्रोसेस जो किया हुआ है, जिसके अंदर FRP रिमूव, उसके अलावा बूटलोडर अनलॉक और थर्ड पे रिपेयर जो है, ये चीज़ें हैं, जिसमें मॉडल है Y72 5G और उसके अलावा है V25 Pro। तो ये दोनों डिवाइसेज जो हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी हैं और प्री ऑर्डर पे कैसे काम करती हैं वो मैं आपके साथ आज जो है शेयर करूँगा। और वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है आपने, काफ़ी शॉर्ट वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको किसी चीज़ की मज़ीद समझ नहीं आती तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई एरर आता है या कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है पिछली वीडियोस जो मैंने डाली थी वो इसी सिक्योरिटी के रिलेटेड थी। आगे जो है अब आईफोन के रिलेटेड जो है वो स्टार्ट हो रही हैं वीडियोस, जिसमें iCloud अनलॉक के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो बगैर किसी देरी के आए शुरू करते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हम पहले अपनी जो डिवाइस है Y72 5G उसको पहले हम जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम अनलॉक टूल को ओपन कर लेंगे। अनलॉक टूल ओपन करने के बाद जो है हम वीवो में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे Y72 5G। प्री लोडर पे क्लिक करने के बाद जो है हम सिंपल इरेज FRP पे क्लिक करेंगे और डिवाइस को आपने कोई बटन प्रेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल जो है आपने उसको कनेक्ट कर देना है। तो जैसे कनेक्ट होगी आपकी FRP जो है वो इरेज हो जाएगी, उसके बाद जो है आपकी डिवाइस जो है वो रीबूट होने के बाद जो है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे है उसी डिवाइस का हम दोबारा से जो है वो IME अभी जो है वो रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइस को पावर ऑफ कर लेंगे, 5G डिवाइस है। MediaTek पे आना है, प्री लोडर पे क्लिक करना है और स्पेशल के अंदर जो है आपने वहां से करना है वीवो IME चेंज। आपने जो दूसरी साइड पे है जेनरिक के अंदर वहां से नहीं करना आपने। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारी जो है वो IME जो है वो भी डन हो चुका है, डिवाइस ऑन होती है तो आपको वो भी दिखा देते हो। अब इशू ये है कि अगर आप जेनरिक से करते हैं, यहाँ पे आपको MTK जो है वो जेनरिक मिल जाता है, वीवो मिल जाता है, ओप्पो मिल जाता है या उसके अलावा जो है शॉमी मिल जाता है, तो आपने वो वाला जो है वो यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने स्पेशल के अंदर आना है और यहाँ पे जो है वीवो चेंज IME नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपने डिवाइस को डन करना है। और अगर आप वीडियो में देख सकते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी जो है वो 2022 की सिक्योरिटी है जो प्री लोडर पे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे 2023 की भी कोई भी लगाएंगे, मतलब 23 की अगस्त तक भी लगा लें कोई, अगर अपडेट आई हुई है अगस्त से पीछे की, तो वो भी आपकी जो है वो रिपेयर भी होगी, रीसेट भी होगी, FRP भी होगी। आप इसको जो है जो चाहे वो कर सकते हैं। अब हम जो है इसका बूट लोडर अनलॉक करते हैं इसी डिवाइस का, और वो किस तरीके से होगा, हम डिवाइस को पावर ऑफ करेंगे। MediaTek पे आने के बाद जो है प्री लोडर ये देखें यहाँ से चूज करेंगे और सिंपल जो है हम प्री लोडर जो है उसको चूज करने के बाद अनलॉक बूट लोडर पे क्लिक करेंगे और हमारा जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा। ये वीडियो बेसिक मैंने जो है वो फास्ट फॉरवर्ड जो है वो चलाई हुई है ताकि वीडियो शॉर्ट ही बने, क्योंकि वीडियो जितनी लंबी हो जाती है उतने कम लोग इसको देखते हैं। तो अभी डिवाइस पे आप अगर देख सकते हैं तो डिवाइस के ऊपर जो है वो अनलॉक की ऑप्शन जो है वो शो हो रही है कि आपकी डिवाइस जो है वो अनलॉक हो चुका है बूट लोडर उसका। आप अनलॉक कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, मतलब अभी सारे काम ही यहाँ पे जो है वो वीवो के प्रीलोडर मोड पे हो रहे हैं। और सिर्फ स्टार्टिंग अनलॉक टूल में हुई है, अभी दूसरे किसी टूल के अंदर रिपेयर की ऑप्शन प्रीलोडर मोड के ऊपर नहीं है। तो ये सिर्फ आप अनलॉक टूल के ऊपर ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो मे बी 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगी, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी टूल ने ये अपडेट नहीं दी कि आप इसको रिपेयर कर सकें। तो डिवाइस जो है हमारी वो देखें वो डन हो चुकी है। तो यहाँ पे रीस्टार्ट हो गई है, रीस्टार्ट के बाद अभी दोबारा से ऑन होगी और इसका हम सेटअप कर लेंगे। और अब इसके बाद जो वीडियो होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो बेसिक वीडियो जो है वो है हमारी V25 Pro की, उसका आप रिपेयर कर लें या उसको FRP रेज कर लें, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। वो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी है, V25 Pro मॉडल भी लेटेस्ट है। तो यहाँ पे देखें हमारी डिवाइस जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अभी V25 Pro जो है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल डिवाइस को आपने करना है पावर ऑफ, और MediaTek पे आने के बाद जो है आपने प्री लोडर यहाँ पे चूज करना है। चूज करने के बाद सिंपल इरेज FRP और आपने अपनी डिवाइस को बगैर बटन प्रेस किया केबल जो है वो कनेक्ट कर देनी है। जैसे आप केबल कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो डिवाइस है
वो आप देख सकते हैं कि FRP जो है उसकी रिमूव हो चुकी है। तो FRP के बाद हमारी जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगी। मतलब ये जो काम था, या आप क्रेडिट पे करते थे, या आपको क्रेडिट बाय करने पड़ते थे, या फ़ोन को ओपन करना पड़ता था, या इजी जेटेक के थ्रू करना पड़ता था, तो भाई अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये अनलॉक टूल के अलावा बहुत सारे टूल हैं जिन्होंने ये अपडेट जो है वो आपको दी हुई है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन रिपेयर की जो ऑप्शन है वो रिपेयर की सिर्फ अनलॉक टूल के अंदर जो है अभी वर्क कर रही है। तो इसमें भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, या जिस तरीके से आपसे रब्ता होता है आप कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक का ग्रुप है हमारे पास, तो वो जो है वो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि हमारी डिवाइस जो है वो ऑन हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।